हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हेयर केयर रूटीन में फोमोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हेयर ऑयलिंग। हेयर ऑयलिंग को कभी भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी शैम्पू नहीं करना चाहिए बिना ऑयलिंग किए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 1 से 2 घंटे ही रखें, बट हेयर ऑयलिंग ज़रूर करें। इससे आपकी हेयर्स की हेल्थ तो इम्प्रूव होगी ही, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होगी आपके हेयर्स में और आपकी हेयर ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। तो हेयर ऑयलिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छा ऑयल चुनना, और मैं हमेशा इम्फोसाइज करती हूँ कि कोई एक ऑयल यूज़ नहीं करना चाहिए, हमेशा कुछ ऑयल्स का ब्लेंड यूज़ करना चाहिए, जिससे आपके बालों को अच्छा नरिशमेंट मिलता है और सारे ऑयल्स के पोषण भी मिलते हैं। तो एक ऐसे ही ऑयल की मैं आज बात कर रही हूँ जिसमें है 9 ऑयल्स का ब्लेंड। अलग अलग से आपको बहुत सारे ऑयल्स नहीं लेना है, एक सिंगल बॉटल में आपको 9 ऑयल्स का ब्लेंड मिल रहा है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या है इस ऑयल में। तो मैं यूज़ कर रही हूँ प्रीमियम हेयर ऑयल फ्रॉम द ब्रांड सत्वा। इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ 9 ऑयल्स, यानी कि 9 ऑयल्स का ब्लेंड है इसमें। ये प्री मेच्योर ग्रेइंग के लिए काफ़ी अच्छा है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, डैंड्रफ को प्रिवेंट करता है और हेयर फॉल को रिड्यूस करता है। इसमें किसी भी तरह के पैराबेंस या मिनरल ऑयल का यूज़ नहीं किया गया है। ऑयल लगाने का बेस्ट तरीका है कि थोड़ा सा ऑयल एक बोल में निकाल लें। जैसे कि समर्स हैं तो हमें इसे हीट करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर विंटर्स हों तो हल्का सा इसे ल्यूकवॉर्म करें। अपने बालों में अच्छे से कॉम करने के बाद एक कॉटन बॉल लें और उसे डिप करें इस ऑयल में, और उसके बाद अपने बालों की जड़ों में इसे अप्लाई करें। रूट्स में ऑयल लगाने का ये सबसे अच्छा और इफ़ेक्टिव तरीका है, इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। बस कॉटन बॉल की हेल्प से आपको अपने रूट्स में लगा लेना है पार्टीशन करके। इससे आपके बालों की जड़ों में ऑयल जाएगा और सारे बेनिफिट्स मिल पाएंगे आपको ऑयल के। तो ऐसे ही मल्टीपल पार्टीशंस करते हुए अच्छे से आपको अपने रूट्स में ऑयल लगा लेना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंगल हेयर ऑयल में 9 ऑयल्स का ब्लेंड है, जिससे आपके बालों को सारे ऑयल्स के बेनिफिट मिल जाते हैं। नंबर 1 इज आमंड ऑयल। आमंड ऑयल में होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन ई एंड मैग्नीशियम, जो आपके बालों को नरिश करता है, स्ट्रेंथन करता है, हेयर लॉस को ट्रीट करता है एंड डैमेज को प्रिवेंट करता है। नंबर 2 इज कैस्टर ऑयल, जो आपके स्कैल्प को मॉइस्चराइज करता है, डैंड्रफ को क्योर करता है, आपके हेयर फॉलिकल्स की हेल्थ को एनहांस करता है एंड हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। नंबर 3 कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल आपके हेयर्स को नरिश करता है मिनरल से, विटामिन से और मीडियम चेन फैटी एसिड से। ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, देयर बाय प्रमोशन ऑफ योर हेयर ग्रोथ। नंबर 4 इज ग्रेप सीड ऑयल। ग्रेप सीड ऑयल काफ़ी लाइट होता है, ये मॉइस्चर लॉक करता है आपके बालों में, फ्रिज को प्रिवेंट करता है एंड स्प्लिट एंड्स को क्योर करता है। नंबर 5 इज इम्यू ऑयल। इट इज़ रिच इन एसेंशियल फैटी एसिड्स एंड इट पेनीट्रेट्स डीप इन टू द स्किन। आपके हेल्दी हेयर को ये प्रमोट करता है। नंबर 6 आमला ऑयल। इट कंटेन्स वाटर, प्रोटीन, कार्ब्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, हेयर ग्रोथ को तो प्रमोट करता ही है, प्री मच्योर ग्रेइंग को प्रिवेंट करता है। नंबर 7 इज जोजोबा ऑयल, जो डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इट इज़ रिच इन विटामिन्स एंड प्रमोट्स हेयर थिकनेस। नंबर 8 इज विटामिन ई ऑयल, जो आपके हेयर कैपिलरीज की ग्रोथ को एनकरेज करता है, ब्लड फ्लो को इनक्रीज करता है और स्प्लिट एंड्स और ब्रेकेज से बचाता है। एंड लास्ट इज ऑलिव ऑयल, वेरी गुड फॉर ड्राई हेयर एंड डैंड्रफ, जो आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, हेयर को स्ट्रेंथन करता है और एक अच्छी सी शीन देता है। तो गाइस, उम्मीद है आपको मेरा ये हेयर ऑयलिंग प्रोसीजर और हेयर ऑयल काफी ज्यादा पसंद आया होगा। परचेज लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट में मिल जाएंगे, आप वहां से जाके इसे ले सकते हैं। एंड बिल्कुल ट्राई करिएगा इस ऑयल को और अपने एक्सपीरियंस शेयर करिएगा मेरे साथ। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।